नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल माइंड्स में। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हूँ जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस के द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि आज हुआ था दो फेज में। पहला फेज में जिसमें रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रेसर, स्टोर कीपर, फील्ड वर्कर, सोशल वर्कर एंड फील्ड इवेल्यूशन वर्कर। एंड एक और दूसरा फेज में एक और क्वेश्चन पेपर था जो कि रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेल्थ एडुकेटर, जूनियर असिस्टेंट LDA, स्टैटिस्टिकल क्लर्क, कंप्यूटर, जो कि मैं आज इसका आंसर की देने जा रहा हूँ। फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रेसर, स्टोर कीपर, फील्ड वर्कर, सोशल वर्कर, फील्ड इवेल्यूशन वर्कर। और मैं एक और दूसरा वीडियो बनाऊँगा जिसमें दूसरे फेज के एग्जाम का आंसर भी दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सेट ए है और आपका सेट बी या कुछ और भी सेट हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स मैच कर लीजिएगा। पहला, द वेदास आर द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ द आर्यंस, हाउ मेनी वेदास आर देयर, इसका आंसर 4 होगा। चंद्रगुप्त 2 वॉज पॉपुलरली नोन एज विक्रमादित्य, हु वॉज द लास्ट मुगल इंक, इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर। क्रिप्स मिशन लेड बाय सर स्टेफर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया इन 1942, ऑप्शन ए होगा। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, GV मावल, ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेस्टियल बॉडीज इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार, इसका आंसर वेनस होगा। बाइकल लेक इज सिचुएटेड इन, इसका आंसर रशिया होगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान, इसका आंसर थिम्पू होगा। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट लेक सिचुएटेड, इसका आंसर होगा अफ्रीका। द सिटी ऑफ बगदाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ टाइग्रिस रिवर, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल, ये दामोदर। द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज सिचुएटेड एट वॉल स्ट्रीट। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस। द जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन पुरी। द डचिगम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, आंसर होगा लिनसीड। हु एमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, दोस्तों इसका आंसर मुझे नेट में नहीं मिला, हालांकि नेट में ढूंढने से चारों को मिला है भारत रत्न, नेट में ऐसा शो कर रहा है, तो इट मे बी कंट्राडिक्शन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, कवरत्ती। द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे इज सिचुएटेड इन मुंबई। द आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज इज सिचुएटेड इन पुणे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार, असम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक, एक्सिस बैंक। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटोरीज। रॉबर्ट्स कप इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल। द ईस्ट इंडिया कंपनी व्हिच केम टू इंडिया फॉर पर्पस ऑफ ट्रेड वॉज फाउंडेड बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। Which Mughal king was defeated by the British and was deported from India? Answer will be Bahadur Shah Zafar. Jayadev was a religious leader during the Bhakti movement from Odisha. When was the Pakistan created as a separate dominion? It will be C, option C, 15 August 1947. Who started the 1857 revolution by breaking his ring and killing two British officers? Mangal Pandey. Where are the Dilwara temples situated? It is in Rajasthan.
वेर इज़ द जल्दापारा सेंचुरी सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल. वाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड. देहरादून. विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. गुजरात. मिनिमम एज ऑफ इंडियन सिटीजन्स टू बी एलिजिबल टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट इज 35 ईयर्स. विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑब्जर्व फ्लोइंग इज ऑब्जर्व इज चिल्ड्रंस डे ट्यूल 14 नवंबर. हु इज नॉन ए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम. वेर इज सवाई मानसिंह स्टेडियम सिचुएटेड. इट इज़ इन जयपुर. विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद द टर्म हाफ हाफ वॉली. विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद द टर्म हाफ वॉली. इट विल बी टेनिस. वाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश. इट विल बी कबड्डी. हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं. इट विल बी जिम कॉर्बेट. हु डिस्कवर द साउथ पोल. ऑप्शन ए एमर्टसन. विच कैनल कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन. इट विल बी पनामा कैनल. वाट इज नॉन एज गिफ्ट ऑफ नाइल. इजिप्ट. पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर. इट विल बी साइन. वाट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. इट विल बी मर्क्यूरी. वाट इज द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. इट विल बी ब्लू व्हेल. वाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया. इट विल बी डमास्कस. वाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश. इट विल बी टोका. वाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट. इट विल बी सहारा. वाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट. इट पम्प्स इम्प्योर ब्लड इन टू द लंग्स. स्टोमक सेक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. गैल ब्लैडर स्टोर्स पाइल. हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेंस आयरन. पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस. वाट इज अ वोल्टमीटर. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सर्किट. वाट इज एस यूनिट ऑफ फोर्स. इट विल बी न्यूटन. वाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. इट विल बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट. वाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड AU. साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग. इट विल बिकम. स्प्लीन इज अ पार्ट ऑफ. आई थिंक नन ऑफ दिस. अगर आप चेक कर सकते हो नेट में चेक कीजिएगा. मैंने जितना चेक किया उसके मुताबिक मुझे नन ऑफ दिस लगा. नेफ्रॉन इज अ किडनी सेल. थायराइड ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन द किडनी. एनीमिया इज कॉज्ड बाय आयरन डिफिशेंसी. पैलेनेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट ऑफ फॉसिल्स. डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड. ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी इज रिड्यूस्ड बाय इंसुलिन. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज ऑल ऑफ द अबव. कैटरेक्ट, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया. विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फीमेल जर्म सेल. इट विल बी ओवरी. द सिनोनिम ऑफ हेट इज अबव. द एंटोनिम ऑफ एडमायर इज डिस्पाइज. कंप्लीट द फ्लोइंग इंग्लिश प्रोवर्ब. ए पेनी सेव्ड इज अ पेनी यर्न. वाट इज द अपोजिट जेंडर ऑफ ड्यूक. डचेस. कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट डिटरमिनर. ड्यू टू सॉम. पर्सनल रीजंस बोथ ऑफ देम अवॉइड ईच अदर. कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन. आई विल बी बैक बाय 6 o'clock. वाट इज द सिंगुलर ऑफ डाटा. डेटम. वाट इज द सुपरलेटिव ऑफ लिटिल लिस्ट. कंप्लीट द फ्लोइंग आइडियम. किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. वाट इज द एडवर्ब फॉर्म एडजेक्टिव. इट विल बी लाउडली. वाट इज द सिनोनिम ऑफ क्रेजी. इनसेन. वाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल. इट विल बी अगली. ए पर्सन हु स्लॉटर्स एंड सेल्स मीट इज कॉल्ड बुचर. वाट इज द अपोजिट जेंडर ऑफ स्टैग. इट विल बी हिंट. वाट इज द प्लूरल ऑफ हस्बैंड. इट विल बी हस्बैंड्स. यंग हॉर्स इज कॉल्ड फॉल. कंप्लीट द प्रोवर्ब विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. एलियोबर्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स. वाट इज द एडवर्ब ऑफ ड्रामेटिक. इट विल बी ड्रामेटिकली. कंप्लीट द आइडियम विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. पुल समबडीज लेग. वाट इज द सुपरलेटिव ऑफ फार. इट विल बी फारथेस्ट. 91. इफ यू कैन सी द इक्वेशन. इट विल आंसर विल बी 3. 92. द सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन. इट विल बी 109. इफ इच ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल इज. इट विल बी 36 डिग्री. ए मैन गोज 10 मीटर ड्यू. दिस 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ. वट इज इज प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. इट विल बी 26 मीटर. ए वॉल दिस टाइल्स क्वेश्चन. इट द आंसर विल बी 1023. द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर. वाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. हुज एरिया इज डबल द एरिया ऑफ द सर्कल. इट विल बी 14√2. द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर. इट इज 32 सेंटीमीटर. वट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. इट विल बी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर.
मिस्टर शर्मा डिपोजिट रुपीज 20,000 इज अ फिक्स डिपोजिट इन अ बैंक एट 10% इंटरेस्ट पर एनम इफ 30% इज डिडक्टेड इनकम फॉर दिस इट विल बी रुपीज 1400 ए वेंडर परचेज 40,000 बनाना दिस बनाना क्वेश्चन इट विल बी आंसर विल बी 40 सी द क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन 94% ऑफ द कैंडिडेट पास एंड वन हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड इट विल बी 1900 सो थैंक यू गाइस इफ यू हैव एनी डाउट You may ask in the comment section. I will try my level best to clear your doubts. And for this, like and subscribe my channel, guys. Thank you.